जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट रहते हैं उसकी कंपैरिजन में सेकेंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं उसकी बहुत स्मॉल अमाउंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मेजर कॉजेस क्या है जिसके कारण माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है प्लांट में? फर्स्ट थिंग जो है ये है कि हम बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ करने लगे हैं, दैट्स वाई डिफिशियंसी सिम्टम अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, एंड उसके बाद हम उसको रिप्लेस भी नहीं कर, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं उसका हम, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट यूज़ तो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा मतलब सॉइल की फर्टिलिटी का लॉस कर रहे हैं, लेकिन हम जितना लॉस कर रहे हैं उतना फुलफिल भी नहीं कर रहे, उतना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड भी नहीं कर रहे सॉइल को, मतलब रिप्लेसमेंट भी नहीं हमारे प्रॉपर रूप से कर रहे हैं, ठीक है। सो ये मतलब कॉजेज हैं बेसिकली द डिफिशियंसी अकॉर जब होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट का, सो ये, ठीक है। देन मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे नीड फॉर द माइक्रो न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन इन फ्रूट क्रॉप, ठीक है। क्यों नीड है माइक्रो न्यूट्रिएंट की एप्लीकेशन करने के लिए फ्रूट क्रॉप्स में? बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है फ्रूट क्रॉप में माइक्रो न्यूट्रिएंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्यों है? पहला चीज़ ये है यहाँ पे कि टू प्रोड्यूस जो फूड ऑफ हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी, हम अगर अच्छी न्यूट्रिएंट यूज़ करेंगे तो हमारे फ्रूट जो है उसकी क्वालिटी इंक्रीज होगी और उसमें भी बहुत अच्छे विटामिन न्यूट्रिएंट मिनरल्स का मतलब स्टोरेज होगा, ठीक। एंड देन क्या है, इंकरेज करना हमको क्या मतलब इंकरेज एंड इन्हेंस करना बायोलॉजिकल साइकिल विद इन द फार्मिंग सिस्टम, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये दे आर द साइकिल्स, उसको इन्हेंस करना एंड उसको इंक्रीज करना, ठीक है, ये चीज़ें। थर्ड पॉइंट इज द टू मेंटेन एंड इंक्रीज द लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ साइट, सबसे ज़रूरत की ये चीज़ है, क्योंकि हम मतलब ऐसी खेती कर रहे हैं आज कि हम सॉइल के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपने बस फायदे के लिए बस प्रोडक्शन चाह रहे हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बहुत लॉस हो रही है। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कि माइक्रो न्यूट्रिएंट हम प्रोवाइड करें, सो सॉइल की फर्टिलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, ओके। देन ये कुछ इफेक्ट है डिफरेंट लेवल्स ऑफ जो पीएच रहता है ऑन माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, तो एक बताया गया है, आप इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन हम देखते हैं बोरॉन का क्या रोल है, ठीक है, जिसको हम किससे बी से शो करते हैं, 1 मिनट, बी से शो करते हैं। तो बोरॉन का क्या रोल रहता है, क्या है बोरॉन जो रहता है, इट इज़ द एसेंशियल ऑफ किसके लिए, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब्स के लिए, एंड इसलिए ये प्रमोट करेगा मैच्योरिटी को एंड अफेक्ट द नाइट्रोजन एंड कार्बो जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रहता है उसको भी अफेक्ट करता है। तो ये वाला चीज़ आप याद रखिएगा, किसके लिए, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स के लिए और ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कॉपर का क्या रोल है, इट इज़ अ प्ले अ मेजर रोल इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देन इंक्रीज करता है शुगर कंटेंट को शुगर केन में एंड ऑल्सो अदर क्रॉप्स जो शुगरी रहते हैं वो। इसके बाद क्या है, इनडायरेक्ट रोल इन क्लोरोफिल प्रोडक्शन में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले कर रहा है, तो दे आर प्ले डायरेक्ट रोल इन द क्लोरोफिल प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव करता है फ्लेवर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का, ठीक, ये चीज़। देन मैग्नीज जो है उसका क्या रोल है, कॉपर है हमको उसको Cu से करते हैं और मैग्नीज को हम Mn से शो करते हैं, ठीक है। देन रोल क्या है मैग्नीज का, मैग्नीज का रोल है कि रोल इन अ क्लोरोफिल सिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा है। और ये देखिए आप डिफरेंस, कॉपर क्लोरोफिल प्रोडक्शन और ये जो है क्लोरोफिल सिंथेसिस करने में, ठीक है। देन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है एंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्लांट एंड नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी नेसेसरी होता है, मतलब ज़रूरी होता है। देन जिंक, जिंक की क्या मतलब का क्या यूज़ है या रोल है बोल सकते हैं, एड्स क्या कर रहा है, एड्स प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एंड एंजाइम सिस्टम एंड नेसेसरी फॉर द क्लोरोफिल प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर द कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च फॉर्मेशन के लिए, किस चीज़ के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए एंड स्टार्च फॉर्मेशन के लिए। देन मॉलिब्डेनम क्या क्या रोल है, इट इज़ द रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम लाइक द नाइट्रेट रिडक्सेस, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने ये चीज़, विच रिडक्ट जो है रिड्यूस करता है नाइट्रेट टू अमोनिया इन प्लांट्स, ठीक है, रिड्यूस क्या करें नाइट्रेट को अमोनिया में। देन एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लेग्यूम्स नोड्यूल्स, जो ये भी क्वेश्चन आता है कि नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए भी कौन से इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बेसिकली रोल प्ले करता है मॉलिब्डेनम, दैट वाई इसका जो रोल है फॉर्मेशन ऑफ लेग्यूम्स नोड्यूल्स में भी है।
देन इट इज नीडेड टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू द ऑर्गेनिक फॉर्म इन द प्लांट. ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज कर रहा है फॉस्फेट को, जो कि किसमें था, इनऑर्गेनिक में. उसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ आयरन. इट इज प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, देन एक्ट एज अ ऑक्सीजन कैरियर के रूप में वर्क कर रहा है. एंड जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस रहता है फोटोसिंथेसिस में एंड जो रेस्पिरेशन में, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्या? आयरन. तो देखिए कुछ जिंक डिफिशियंसी मेजरली बोलेंगे अगर हमारे क्वेश्चन में आएगा ना, इंडियन की इंडिया सॉइल में सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल मतलब न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो जिंक ज़्यादा डिफिशियंट है. ठीक है, तो इसलिए इस जिंक के जितने भी मतलब परसेंटेज है ना, किस एरिया में कितना कितना है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है ना इसमें. ठीक, तो ये है. फिर हम देखते हैं रोल क्या है फ्रूट क्रॉप्स में, बेसिकली क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट का रोल फ्रूट क्रॉप में ही रहता है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज द कॉपर, फेरस एंड मैग्नीज जो रहते हैं आर इन्वॉल्व इन द वेरियस प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, एंड देन जिंक, कॉपर, फेरस एंड मैग्नीज आर एसोसिएट विद द वेरियस एंजाइम सिस्टम ऑल्सो. बोरॉन इज ओनली माइक्रो न्यूट्रिएंट, नॉट स्पेसिफिकली एसोसिएट विद द अदर फोटोसिंथेसिस और एंजाइम फंक्शन, बट इट इज एसोसिएट विद द कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री. ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो नहीं कर रहा है फोटोसिंथेसिस में या एंजाइम सिस्टम में, बट इज द क्या एसोसिएट रहता है कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री में एंड रिप्रोडक्ट, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है प्लांट का, जैसे कि पॉलन का जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ अच्छा करता है, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, इसलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला जा रहा है. ठीक है, देन सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट इन ग्रोथ एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप फ्रूट आर ब्रीफ्ड, मतलब न्यूट्रिएंट वाइज हमने इसको ब्रीफ किया है, तो आप देखते हैं कंटिन्यू इसको. सबसे पहला क्रॉप हमने लिया है मैंगो. ओके, सो मैंगो में क्या रोल है माइक्रो न्यूट्रिएंट? माइक्रोन्यूट्रिएंट जो रहते हैं जिसकी डिफिशियंसी इज जनरली नॉट इनकाउंट्रेटेड इन मैंगो. ठीक है, ऐसे कोई मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी तो नहीं देखी गई है, बट फेरस, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन एंड कॉपर डिफिशियंसी हैव बीन रिपोर्टेड इन मतलब डिफरेंट वेराइटीज. तो फर्स्ट जो है, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि लिटिल लीफ किससे हो रहा है या ये किससे, किस डिफिशियंसी से हो रहा है, किस न्यूट्रन की डिफिशियंसी से हो रहा है, तो आप प्लीज़ देखिएगा पूरा वीडियो. पहला है लिटिल लीफ. ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? दैट इज द कॉज्ड बाय जिंक डिफिशियंसी. ओके, एंड टू ओवरकम लिटिल लीफ, टू हमको ओवरकम करना है, तो हम टू स्प्रे करेंगे जिंक सल्फेट 1-2%. वन पहला हम देंगे एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड सेकेंड इज द आफ्टर द 1 month हम देंगे. फर्स्ट मतलब फर्स्ट स्प्रे के 1 month बाद देंगे हम किस जो डिसऑर्डर है लिटिल लीफ जो है. ठीक है, ये मतलब लीव्स जो है आई थिंक छोटे साइज के हो जाते हैं, तो इस डिसऑर्डर को हम ठीक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? जिंक सल्फेट यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ ZnSO4. 1-2% हम यूज़ करेंगे. ठीक, ये चीज़ हो गया. ठीक, देन क्या है, स्टंटेड ग्रोथ विथ शॉर्टेंड क्या होगा इंटरनोड एंड अ स्मॉल लीफ सोइंग द पेल ग्रीन कलर आर द सिम्टम ऑफ बोरॉन डिफिशियंसी. अगर ऐसे टाइप का कुछ कैरेक्टर आएगा तो वो किसके लिए सिम्टम अपीयर करेगा? बोरॉन डिफिशियंसी का. ठीक है, जब क्या होगा, ग्रोथ स्टैंडर्ड हो जा रहा है, इंटरनोड में शॉर्टनेस आ जा रही, स्मॉल लीफ हो जा रहे हैं और ग्रीन कलर जो रहेगा वो मतलब पेल कलर का हो जाएगा, तो ये सिम्टम है बोरॉन का. एंड टू कंट्रोल इट एप्लीकेशन हम लोग क्या करेंगे, 0.25% बोरिक एसिड अप्लाई करेंगे. इसके अलावा टीप बर्निंग होता है ओल्ड लीव्स में विद ग्रे ब्राउन कलर के पैचेस हो जाते हैं एंड टिपिकल सिम्टम ऑफ कॉपर डिफिशियंसी की, कॉपर डिफिशियंसी का है मैंगो में. तो इसके लिए हम करेक्शन के लिए 0.3% कॉपर एड स्प्रे करेंगे. इट इज़ रिपोर्टेड दैट स्प्रेइंग ऑफ फेरस 0.1% एंड कॉपर 0.1% रिड्यूस द स्पॉन्जी टिश्यूज इन मैंगो. बहुत मेजर प्रॉब्लम है स्पॉन्जी टिश्यूज अल्फोंसो मैंगो का, तो उसको हमको अगर ठीक करना है तो हम 0.1% क्या फेरस एंड कॉपर को 0.1% यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, इंटरनल नेक्रोसिस है मैंगो में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मतलब वाटर सिम्टम जिसमें अपीयर होते हैं, और इसको दूर करना है तो हम फोलियर स्प्रे करेंगे किसका, 0.5% बोरेक्स का. कब यूज़ करेंगे? एट द टाइम ऑफ मतलब फोर्टनाइट इंटरवल्स पे हम यूज़ करेंगे. आप देखिए कैसे वाटर मतलब वाटर सिम्टम हो गए, ये वाला जो सिम्टम है, देन ये वाला, देन ये वाला. ठीक, तो ये चीज़. अब फ्रूट क्रैकिंग क्यों होती है मैंगो में, ये जो ठीक है ना, ये वाला जो है ये फ्रूट क्रैकिंग है. तो फ्रूट क्रैकिंग जो होती है उसके लिए हमको क्या यूज़ करना चाहिए?
एप्लीकेशन करना चाहिए हमको 5 to 10 kg बोरेक्स का पर हेक्टेयर में, या फिर हमको फोलियर स्प्रे करना चाहिए 0.25 मतलब 0.25% किसका बोरेक्स का 10 days के इंटरवल पे, और या फिर हम सॉल्यूबल मतलब सॉल्यूबलर जो यूज़ करेंगे तो हम उसको 300 ग्राम यूज़ करेंगे 100 लीटर वाटर में, ठीक है 100 लीटर वाटर में 300 ग्राम यूज़ करेंगे बोरेक्स का। उसके बाद जिंक डिफिशियंसी से मैंगो में क्या हो रहा है, ये आप जो सिम्टम देख रहे हैं मतलब ये जिंक डिफिशियंसी से हो रहे हैं, तो इसके लिए हम ZnS4 यूज़ करेंगे सॉइल में 10 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से, और अगर हम फोलियर स्प्रे करेंगे तो हम 1% यूज़ करेंगे, या फिर हम नाइट्रो जिंक करके यूज़ कर सकते हैं जो कि हम क्या करेंगे 100 लीटर जो वाटर है उसमें 150 ml हम यूज़ करेंगे नाइट्रो जिंक। बनाना में हम देखते हैं कुछ, ठीक है माइक्रोन्यूट्रिएंट की क्या क्या डिफिशियंसी है। सो बनाना में क्या है, सो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इज जनरली फाउंड इन बनाना जैसे कि फेरस मैगनीज जिंक बोरॉन कॉपर डिफिशियंसी हैव बीन रिपोर्टेड इन द डिफरेंट वेराइटीज। इंटरवेनियल क्लोरोसिस हो जाता है, ठीक है मिडिल ऑफ द सब टर्मिनल लीव्स में इंडिकेट द मैगनीज डिफिशियंसी, अगर ऐसा कुछ सिम्टम आ रहा है तो दे आर मैगनीज डिफिशियंसी सिम्टम, या फिर ओवरऑल क्या होगी ड्रॉपिंग हो जाएगी मतलब ड्रॉपिंग अपीयरेंस शॉर्टेंड इंटरवल्स एंड बिटवीन द लीफ पेटियोल्स इमर्जिंग फ्रॉम द स्यूडो स्ट्रीम, जो कि लीफ जो ऐसे लीफ पेटियोल जो कहाँ से स्यूडो स्ट्रीम से इमर्ज हुए हैं वहाँ पर क्या होगा शॉर्टेंड इंटरवल टाइप का दिखाई देगा, और ओवरऑल क्या होगा ड्रॉपिंग सिस्टम अपियर होगा। द लीफ ड्रॉप एंड रिसेम्बल लाइक एन अम्ब्रेला ड्यू टू द कॉपर डिफिशियंसी, ऐसा कुछ सिम्टम है तो वो किस लिए होगा कॉपर की डिफिशियंसी से होगा। अब डायग्राम देखिए, ये है कॉम्ब इफेक्ट जो है, ये देखिए ये जो ऐसे इफेक्ट आ रहे हैं ना, ये क्या है मैग्नीज डिफिशियंसी है, ठीक सिम्टम यही है कि मार्जिनल क्लोरोसिस है डेवलपिंग अलॉन्ग मेन ट्रांसवर्स वेंस लिविंग इंटरवेनल एरियाज ग्रीनर एंड दस गिविंग लीफ अ स्ट्रेटेड अपीयरेंस फ्रॉम द एजेस, ठीक तो ये क्या है क्लोरोसिस है इन कॉम्ब फॉर्म में। तो और एप्लीकेशन इसको रेमाइडी कैसे करेंगे, हम सॉइल एप्लीकेशन करेंगे 40 kg हम पर हेक्टर के हिसाब से मैग्नीज सल्फेट यूज़ करेंगे, या फिर हम उसका फोलियर स्प्रे करेंगे 0.3% मैग्नीज सल्फेट्स। ओके हम पपाया में देखते हैं, तो अगर पपाया में हमारे पास अगर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है राइज द कंसनट्रेशन ऑफ मैग्नीज, ठीक है मतलब एकदम बोलना चाहिए कोरिलेटेड रहते हैं, पी को अप्लाई करेंगे तो मैग्नीज की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, मैग्नीज को मतलब अप्लाई करेंगे तो पी की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा इस तरह से, ठीक तो क्या है कि ये क्या करेगा राइज करेगा कंसनट्रेशन ऑफ मैग्नीज एंड जिंक की भी एंड लोअर कर देगा कॉपर एंड के की जो अवेलेबिलिटी को। एंड देन बोरॉन डिफिशियंसी सिम्टम फर्स्ट शो होता है ऑन द ग्रोइंग पॉइंट एंड देन यंगर लीव्स में सबसे पहले, ठीक द लीव्स टेंड टू बी थिक हो जाएंगे कर्ल्ड हो जाएंगे एंड ब्रिटल हो जाएंगे, तो उसको करेक्शन करने के लिए क्या होता है हम जिंक 0.5% एंड बोरॉन 0.1% अगर हम फोलियर स्प्रे करेंगे 4th and 8th month में प्लांटिंग के बाद तो इंक्रीज करेगा फ्रूट यील्ड को, और ये कितना इंक्रीज करेगा ये यहाँ पर दिया हुआ है, एंड ये लेटेक्स के भी यील्ड को इंक्रीज करेगा 21.65 ग्राम पर फ्रूट एट स्टेज, ठीक है आई स्टेज जो रहेगा। इसके अलावा ये मतलब क्वालिटीज जो अदर क्वालिटी उसको भी इंप्रूव करेगा, ठीक है ये पपाया का हमने पढ़ा। तो ये बोरॉन डिफिशियंसी से देखिए आप क्या सिम्टम अपियर हो रहे हैं, ये जो है सिम्टम फर्स्ट शो ऑन द ग्रोइंग पॉइंट्स एंड यंगर लीव्स द लीफ टेंड टू बी थिक कर्ल एंड ब्रिटल, आप देखेंगे आपको तभी समझ आएगा कोई चीज। देन सिट्रस में क्या है, पहला है मॉटल लीफ, ये क्या इंडिकेट करेगा इट इंडिकेट येलो ब्लॉचेस, ठीक है बिटवीन कहाँ पे वेंस में और टर्मिनल सूट लीव्स, और क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा लीफ साइज नैरो पॉइंटेड हो जाएंगे मतलब पॉइंट जो रहेगा वो नैरो हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा, एंड देन क्लोरोटिक लीव्स हो जाएंगे एंड लीव्स जो होगा स्मॉल साइज का भी हो जाएगा एंड मिस हैपन फ्रूट ड्यू टू द जिंक डिफिशियंसी। तो क्या क्या हो रहा है इंडिकेट कर रहा है येलो ब्लॉचेस बिटवीन द वेंस एंड टर्मिनल सूट्स में और रिड्यूस करेगा लीव्स के साइज को नैरो पॉइंटेड एंड क्लोरोटिक लीव्स हो जाएंगे स्मॉल साइज के हो जाएंगे मिस हैपन होगा फर्स्ट फ्रूट ड्यू टू द जिंक डिफिशियंसी के कारण। इन केस ऑफ आयरन डिफिशियंसी ऑफ आयरन एप्लीकेशन ऑफ क्या कॉस्टली इनपुट लाइक आयरन चिलेट में भी हेल्प इन कंट्रोलिंग इट, अगर आयरन की डिफिशियंसी तो अगर हम ऐसे इनपुट जो है आयरन चिलेट जिसमें उसको यूज़ करेंगे तो फिर डिफिशियंसी क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड कॉपर डिफिशियंसी से ना क्या होता है उसमें एग्जेंथीमा होता है, ये क्वेश्चन मोस्ट एमपी आता है एग्जाम में, ठीक है
ये। इसके अलावा रेड रस्ट भी होता है ना, जो वो कॉपर से होता है। डाईबैग इज ऑल्सो बाय द कॉपर। मल्टीपल बर्ड या फिर पीच में जो लीफ कंडीशंस होते हैं ना, सॉरी पीच लीफ कंडीशन जो होता है वो भी कॉपर की डिफिशियंसी से होता है। या फिर इस डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, फॉलीसेलोसिस बोलेंगे, ठीक है, फॉलियोसेलोसिस बोलेंगे। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। ये कुछ हमने क्रॉप में माइक्रोन्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी सिम्टम भी देखे कि क्या क्या अपियर होते हैं, और किस मतलब डिफरेंट क्रॉप में, फ्रूट क्रॉप में इनका क्या सिम्टम है और इसको करेक्शन कैसे करेंगे, ये आज की वीडियो में हमने देखा।